हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं जगह एम से अच्छे डी, और स्वागत है आपका चैनल में। तो आज हम लेके आए फिर से एक और बार क्रिकेट 19 करियर मोड का एपिसोड। बहुत ज़्यादा डिमांड में भाई ये एपिसोड, बहुत सारे लोग बार बार कमेंट करते हैं मुझे कि भाई इसी को लेके आओ। तो अब से हम ट्राई करेंगे कि इस चैनल पे सिर्फ क्रिकेट या स्पोर्ट्स की गेमों के ही वीडियोज़ जो हैं लाते रहें। और अगर आप दूसरी गेम प्ले आप देखना चाहते हैं, GTA 5, अनचार्टेड या दूसरी स्टोरी गेम्स, तो उसके लिए हमने सेकंड चैनल बनाया जिसका नाम है AJ गेम्स, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने फिर भी फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो मुझे। और वहाँ पे बहुत सारी नई गेमों की जो है भाई साहब हम करने वाले हैं न्यू वीडियोस अपलोड। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया और क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के दूसरी गेम्स के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई पैसा नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज क्रिकेट 19 करियर मोड के एपिसोड में हम कंटिन्यू करने वाले हैं पिछले मैच को, जो कि हम सेंट्रल जोन के साथ खेल रहे थे। उसमें मैंने अच्छे खासे 150 बना लिए थे, तो ट्राई करने वाले थे कि उससे ज़्यादा हम खेल लें और कुछ हाई स्कोर कर लें, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हियर वी गो, शॉर्ट पिच गेंद, वेल प्लेड, डिफेंस कर दिया हमने यहाँ पे। फिलहाल ज़्यादा एग्रेसिव नहीं खेल रहे, हमको लॉन्ग खेलना है इसलिए। ओके भाई, जो सामने खड़े रहेंगे उसको तो बहुत लगने वाली, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ से बॉल निकल जाए। फिर भी थोड़ा सा तो हमने एटलीस्ट कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा हमको भाई, किसी भी कंडीशन में। 177 पे खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप में भी है, एक रन तो ले ही लेंगे हम। ओ भाई, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं फील्डर यहाँ पे, तो दो की भी डिमांड हो सकती है आराम से, और दो कंप्लीट कर लिया हमने, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बॉल, ओ थोड़ी सी बॉल हवा में थी, हो सकता था कि कैच भी हो जाए, लेकिन रन ले लिया। ओके नेक्स्ट बॉल, ये फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त 6 रन मिले यहाँ पे, फुल टॉस गेंद को सीधा कवर्स के ऊपर से बाहर पहुंचा दिया। ओके भाई साहब, अच्छा हुआ नो कर दिया, नहीं तो विकेट जाने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। बहुत बढ़िया शॉट, गैप में भी है, लेकिन 4 तक तो ये गेंद बिल्कुल नहीं जाएगी। और मैं ट्राई करूँगा कि 2 रन तो यहाँ पे ले लूँ मैं, क्योंकि 2 रन आसानी से मिल जाएंगे विदाउट एनी स्ट्रगल। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई साहब। शॉट, नेक्स्ट बॉल, सीधी गेंद, थोड़ी सी पीछे थी और हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया, और 1 रन मिलेगा पाइन लेग की तरफ से। ओके नेक्स्ट बॉल, बढ़िया शॉट, गैप में भी है, शायद 4 रन की तरफ पहुंच जाए गेंद। जी हाँ, बाउंड्री लाइन की तरफ पहुंच गई गेंद और 4 रन मिले हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन, थोड़ी ताकत लगाने की ट्राई की थी इस गेंद में ताकि ये बॉल निकल जाए। फिर से बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार फील्डर वहां पे मौजूद, अब ये गेंद कहीं नहीं जाने थी। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से हल्के हाथों से पुश किया गैप में, और टेस्ट क्रिकेट की सबसे खास बात यही है भाई कि आप जितना हल्के हाथों से पुश करता जाएंगे आपको बाउंड्रीज नहीं भी मिले, लेकिन सिंगल डबल तो आप चलाते रहोगे। और सबसे मेन फंडा टेस्ट क्रिकेट में यही है कि आप सिंगल डबल जो है जरूर करते रहे। तो इसी के साथ 200 स्कोर कर लिया हमने कंप्लीट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ही नहीं रही। अगर इसके पिछले एपिसोड आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, उस एपिसोड में हमने एक दिन के आई थिंक 25-26 ओवर बाकी थे जिसमें कि हमने ताबड़ तोड़ बैटिंग की थी। अगर वो नहीं देखा है आपने तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो हियर वी गो, नेक्स्ट बॉल, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच थी, लेकिन हमने भी उसे गैप में जो है पुश कर दिया, और यहाँ से 2 रन लेने की ट्राई, और मुझे लगता है कि 2 कंप्लीट हो जाने चाहिए। जी हाँ, 2 कंप्लीट के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, 2 रन। नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद, बहुत ही बढ़िया, और 6 रन यहां पे फुल टॉस गेंद पे। बहुत ही बढ़िया, ओके नेक्स्ट बॉल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, और कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहां पे, और ये बहुत ही क्लास शॉट, और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। तगड़ी बैटिंग होते हो भाई साहब यहाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट और 4 रन,
नो डाउट एट ऑल, बहुत ही बढ़िया, 4 रन। नेक्स्ट बॉल लेग स्टंप की तरफ, बॉल थी हल्के हाथों से खेला हुआ, लेग अंपायर की तरफ से गेंद जाती और 2 रन की डिमांड कर ली और रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया। रनिंग बिटवीन द विकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर मौजूद है पीछे, तो वापस से 1 रन ही मिलेगा, 2 की ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ से खेले था भाई। ओके नेक्स्ट बॉल, वेरी गुड शॉट, ओ क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। स्लिप्स के बीच में से खेलने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन गेंद निकल नहीं पा रही है भाई, ट्राई तो अच्छी है लेकिन निकली नहीं गेंद। फिर से सीधा खेलने की ट्राई लेकिन इस बार कनेक्शन उतना अच्छा नहीं तो बॉल नहीं निकली है। फुल टॉस गेंद खेल दिया है गैप में और आई थिंक जो लग रहा है कि बॉल ट्रेवल कर लेगी 4 रन के लिए शायद, क्योंकि टप्पा खा के गेंद गई है। ओके बहुत ही बढ़िया शॉट, जोर से मारने की ट्राई की थी इस शॉट को ताकि बॉल निकल जाए और वैसा ही हुआ। ओ हल्के हाथों से खेल दिया था लेकिन बढ़िया कट था ये और 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि फील्डिंग जो है पूरी क्लोज लगाई गई है ताकि सिंगल डबल को रोका जाए और स्पिनर्स को चांस मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 222 पे खेल रहे हैं, बढ़िया शॉट, फिर से हल्के हाथों से खेले हुई शॉट और 1 रन कर लेंगे यहाँ पे कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बॉल फिर से खेल दिया गैप पे लेकिन इस बार फील्डर बहुत चुस्त तंदुरुस्त वहाँ पे, उन्होंने बॉल नहीं जाने दी भाई, कोई भी रन नहीं कंप्लीट करने दिया। नेक्स्ट बॉल बढ़िया शॉट गैप में है और आई थिंक ये बॉल अच्छी खासी ट्रेवल कर जानी चाहिए लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि जाएगी, एंड मोमेंट पे जाके रुक गई गेंद, लेकिन फिर भी 2 रन तो कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पे। रिटर्न फ्रॉम आउट ऑन द बाउंड्री, गुड फील्डिंग, 2 रन कंप्लीट। ओके नेक्स्ट बॉल, यहाँ पे कोई रन नहीं मिलेगा, वापस जाने में ही समझदारी इनकी। नेक्स्ट बॉल यहाँ पे रन मिल सकता है, 1 रन आपको आराम से, क्योंकि बॉलर चेज कर रहे हैं इसे, सॉरी बॉलर नहीं फील्डर चेज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके हल्के हल्के हाथों से खेलने की वजह से स्कोर भी हल्का हल्का ही बढ़ते जा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया शॉट और गैप में भी है और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे, बहुत बढ़िया शॉट, शॉर्ट पिच गेंद थी और कुछ कलाबाज तरीके से उठाया इसको। नेक्स्ट बॉल ये बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर पीछे मौजूद है तो सिर्फ 1 ही रन मिलेगा और बॉल जो है ट्रेवल भी जल्दी कर गई है। एंड ऑफ द ओवर। ओके शॉर्ट पिच गेंद, यहाँ पे अगर थोड़ा भी रिस्क लेने की ट्राई नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम, क्योंकि जैसे ही रिस्क लेंगे तो हम रिस्क लेंगे तो ट्राई करेंगे 250 के बाद। बहुत ही बढ़िया शॉट, क्लास शॉट और ये 4 रन यहाँ पे, लाजवाब शॉट, काफी देर के बाद किसी मीडियम पेसर ने शॉट गेंद की थी और उसे बिल्कुल शॉट में ही निपटा डाला। ओ बहुत ही बढ़िया बैकफुट पंच, लेकिन फील्डर मौजूद था लेकिन शॉट काफी अच्छा था। ओके नेक्स्ट बॉल, बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर, वेल फील्डेड, रियली गुड वर्क आउट देयर। नेक्स्ट बॉल कट करने की ट्राई लेकिन फील्डर है वहां पे मेरे भाई, तो नहीं निकलेगी ये गेंद और ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है, तो अब शायद कोई कप्तान की तरफ से, यानी कप्तान तो हम ही है, ऑर्डर तो हम देंगे कि बाहर जो लोग बैठे हैं उनको बोलो जरा प्रिपेयर रहो भाई, ऐसे मत करते जाओ, हमारे भरोसे ही मत रहते जाओ। ओके तो ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है तो अब हम थोड़ा सा रिस्क लेने की ट्राई करेंगे और जल्दी जल्दी स्कोर को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट बॉल
और बहुत ही क्लास शॉट और ये जाएंगे कवर्स के ऊपर से 6 रन। एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में क्या हो रहा है, मीडियम पेसर को मारना थोड़ा इजी जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्पिनर्स। स्पिनर्स की गेंद थोड़ी अलग आ रही है और वो एक टिप्पे पे बॉल डाल रहे हैं, लेंथ बढ़िया डाल रहे हैं, लेकिन मीडियम पेसर की लाइन भटकते हुए यहाँ पे वो लोग, इसकी वजह से मीडियम पेसर को थोड़ा मारना ईजी है यहाँ पे फिलहाल की कंडीशन में। ओहो, बहुत ही कलात्मक शॉट और रचनात्मक शॉट और ये गेंद 4 रन के लिए। बॉलर ने सोचा नहीं होगा कि इतने अच्छे से दिशा दे देंगे इस गेंद को। नेक्स्ट बॉल, ये बढ़िया शॉट है, गैप में भी है, 4 तो नहीं जाएंगे लेकिन 2 की डिमांड हम जरूर करेंगे, 2-2 रन भी लेते जाएंगे हम। बहुत ही बढ़िया, बिट एक्सपेंसिव दैट ओवर। AJ raises the bat and celebrates. इसी के साथ 251 हमने कर लिए हैं, तो अब हम थोड़ा और तेज खेलने की ट्राई करेंगे। ओहो, बढ़िया शॉट, फील्डर जो है चेज कर रहे हैं, मुझे लग नहीं पा रहा है कि ये बॉलर रोक पाएंगे, ये 4 रन तो जरूर होंगे। Great timing. Races to the boundary for 4. यहां पे एक और 4 रन मिलते हुए। ओके, नेक्स्ट बॉल, ये बढ़िया शॉट है, ये बिल्कुल नहीं रुकने वाला और ये जाएंगे सीधे 4 रन। और 4 रन मिलते हुए थोड़ी बैटिंग में तेजी ला ली उन्होंने। शॉर्ट गेंद, और शॉर्ट गेंदों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हम, और यहाँ पे मिलेंगे 4 रन और, तो रनों में इजाफा काफ़ी तेजी से होते हुए। अब जितने भी गेंदे पहले आपने 200 से लेके 250 तक खाई थी उन सबको कवर कर रहे हैं। एक और शॉट गेंद और फिर से हवाई फायर, और ये गेंद भी जाएगी 4 रन के लिए। शॉट गेंद ना ही करें तो बेहतर है, और फिर से स्पिनर को लाया उन्होंने यहाँ पे, लेकिन फिर से बढ़िया शॉट, गैप में है, पुश भी कर दिया है, और मुझे लगता है 2 रन तो हो जाने चाहिए यहाँ पे। रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी अच्छी और ले भी लिए रन, 2 runs added. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बॉल, जैसे स्पिनर को वापस लाया थोड़ी रन बनाने की स्पीड कम हो चुकी है, लेकिन 2-2 रन लेना नहीं छोड़ रहे हैं ताकि रनों की स्पीड ज़्यादा भी कम ना हो जाए। Would have been a certain wicket up the other. बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट बॉल। ओके, तो यहाँ पे भी 2 की ट्राई कर ली है। 2 run. ये थोड़ा रिस्की था। ओके, नेक्स्ट बॉल, बढ़िया शॉट, ये गेंद सीमा रेखा के पार तो नहीं पहुंचेंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे रन जरूर ले लेंगे। Very nice throw back there. Good fielding. Okay, next ball. गैप में नहीं था ये शॉट, शॉट अच्छा था लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया इस शॉट ने। ओके, नेक्स्ट बॉल, ये हवाई फायर है, और मुझे लगता है कवर से ऊपर से 1 टिप 2 टिप 3 टिप करके बॉल चले गई सीमा रेखा के पार, थोड़ी सी लाइन भटके और नतीजा आपके सामने। फिर से गेंद की है बाहर और फिर से हवाई फायर, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं है और बॉल हो चुकी है क्लियर, तो 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया शॉट, नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस गेंद थी भैया, स्पिनर होके आपने फुल टॉस कर दी, मीडियम पेसर को नहीं छोड़ रहे तो स्पिनर कैसे बच जाएंगे। तो रनों की रफ्तार में थोड़ी सी तरकरार नहीं है बिल्कुल स्पीड से बनते हुए, क्योंकि कुछ खराब गेंदों का नतीजा है कि रन आते हुए। बहुत ही बढ़िया शॉट और 6 रन, क्लास शॉट, 1 ही रन मिलेगा, 2 की डिमांड तो बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बॉल, शॉर्ट पिच गेंद, ओह क्या बात है, लाजवाब शॉट, लुकिंग रियली कंफर्टेबल आउट देयर, टेक्स्टबुक शॉट, बहुत ही बढ़िया। अब मात्र 1 रन की जरूरत है 300 के स्कोर के लिए, और रन ले भी लिया है, क्या बात है।
तो 300 कंप्लीट किया हमने ट्रिपल सेंचुरीज करियर मोड के एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि इस एपिसोड को मैं कंटिन्यू करूं और इस इनिंग को थोड़ा और खेल लूं और 400 तक जाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। जितने आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे उतना ही मोटिवेट हो जाऊंगा मैं।